वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड यानी कि टीटीएमएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो टीटीएमएल स्टॉक की बात की जाए तो 110.45 पे आज क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। टीटीएमएल स्टॉक 2.80 पैसे की गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 2.47% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले आज के दिन में, और 110.45 पे क्लोजिंग दे चुका है। 110 लेवल सपोर्टिव एक्ट होती हुई नजर आ चुकी है स्टॉक के लिए। आज ओपन हुआ था, फ्लैट ओपन हुआ और प्रीवियस क्लोजिंग के साथ यहाँ पे देख सकते सुबह सुबह में प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट लेके ऊपर स्टेबल था। जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया तो देख सकते हो तेजी से गिरावट देखने को मिली थी टीटीएमएल स्टॉक के अंदर नीचे के साइड में। तो देख सकते हो मार्केट कैप जो है 21,055 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा टेली सर्विसेज स्टॉक का। तो पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 5.48% की गिरावट देखने को मिले है टोटल, तकरीबन देख सकते 6.40 पैसे की गिरावट यहाँ पे देखने को मिले है टीटीएमएल स्टॉक में। तो यहाँ पे देखा जाए टीटीएमएल स्टॉक के धमाके के नंबर्स, जैसे कि ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 27,67,000 का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, और ट्रेडेड वैल्यू जो है 3,079 लाख का यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू यहाँ पे लाख में देखने को मिला है। टोटल जो आज के दिन की जो यहाँ पे देखा जाए डिलीवरी परसेंटेज तो देख सकते हैं तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेडेड है, उसमें से 12 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं यानी कि होल्डिंग के लिए नेक्स्ट डे, यानी कि 50% क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो टीटीएमएल का चार्ट भी हमने पहले भी बात की थी कि गिरावट होती है 113 लेवल को ब्रेक करेगा तो 110 लेवल तक इजिली जा सकता है टीटीएमएल स्टॉक। आज देख सकते हो कि तकरीबन 110 लेवल का पे ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक। तो देखा जाए तो देख सकते 110 को ब्रेकआउट होता है तो और नीचे गिरावट हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो देख सकते ऊपर जाएगा तो 113 लेवल रेजिस्टेंस एक्ट हो जाएगा। तो ये था लेटेस्ट अपडेट टीटीएमएल स्टॉक के लिए।